इसराइल ने पलटवार की रणनीति भी तैयार कर ली है। नेतन्याहू आज जवाबी कार्रवाई पर चर्चा कर सकते हैं। कब और कहां जवाबी कार्रवाई करेगा, इस बात पर बात होने वाली है। तो ये क्या इस वक्त महायुद्ध की तरफ जो है कई देश आगे बढ़ते हुए नजर आ रही हैं, और कल जो हमला किया गया उस हमले का जवाब दिया जाएगा ये पहले ही कह दिया गया है। तो ऐसे में इजराइल के पलटवार के लिए ईरान पूरी तरीके से तैयार है। ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को भी बंद कर दिया है। तो अब इजराइल ने पलटवार करने की रणनीति पूरी तैयार कर ली है और इजराइल ने यह साफ संदेश दे दिया है कि हमला बहुत बड़ा है और हमने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी, अब बस उसे एग्जीक्यूट करने की तैयारी है। कब कहां कैसे ये एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये जवाबी कार्रवाई होगी, इसको लेकर आज एक बैठक होगी जिस पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। तो इजराइल के पलटवार के लिए ईरान तैयार है। ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। कल सुबह 5 बजे तक ईरान का हवाई क्षेत्र बंद रहने वाला है। ईरानी संसद के स्पीकर ने इजराइल को चेतावनी दी है, अगर पलटवार किया तो कार्रवाई बिल्कुल अलग होगी। इजराइल के हमले के लिए तैयार ईरान। तो आपको जानकारी दे दे कि ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया है। कल सुबह 5 बजे तक ईरान का हवाई क्षेत्र बंद है और ईरानी संसद के स्पीकर ने साफ तौर पर इजराइल को एक चुनौती दी है और चेतावनी में कहा गया है कि अगर पलटवार किया तो कार्रवाई बिल्कुल अलग होगी। इजराइल के हमले के लिए तैयार ईरान, बागियों की तरफ से कहा गया है। तो कल ईरान ने जिस तरीके से इजराइल पर हमला किया था और अब बदले की आग इजराइल में लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है और इजराइल ने कहा है कि इस पर जवाबी कार्रवाई होगी, और वहीं ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर पलटवार किया तो कार्रवाई बिल्कुल अलग होगी। और ईरान और इजराइल युद्ध के बीच एक और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में इजराइल एम्बेसी की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि एम्बेसी के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात है। इजराइल एम्बेसी के बाहर पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। तो ये युद्ध एक तरफ लगातार जारी है और इसे युद्ध नहीं कहेंगे आप, क्योंकि ये महायुद्ध की तरफ बढ़ गया है। और ऐसे में इस बीच जो दिल्ली में इजराइल की एम्बेसी है वहां पर भी सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि वहां पर पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है और जो सुरक्षा में तैनात रहते हैं सुरक्षा बल उनकी संख्या भी बढ़ाई गई है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी से सबको आपको रूबरू करवा रहे हैं कि इस युद्ध के बीच, क्योंकि असर कई देशों पर पड़ सकता है इस युद्ध का, ऐसे में दिल्ली में भी पूरी अलर्टनेस जारी की गई है। खासकर एम्बेसी के बाहर, जो इजराइल एम्बेसी है उसके बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। वहां पर जो सुरक्षा बलों की तैनाती है उसे बढ़ा दिया गया और पेट्रोलिंग लगातार हो रही है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। संवाददाता शंकर आनंद फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। शंकर, ये जो जानकारी सामने आ रही है कि इजराइल एम्बेसी के बाहर पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, सुरक्षा बढ़ाई गई है, आपके पास क्या अपडेट है? अनुसंधान कह सकते हैं कि जिस तरह से इजराइल के राजधानी दिल्ली स्थित जो इजराइल एम्बेसी है उसके आसपास में सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता कर दी गई है। हालांकि उस ये इस जोन में तो हमेशा सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी रहती है, लेकिन कल रात की जो घटना है उसके बाद से और ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। आसपास में किसी भी लोगों को वहां पे जाने की या किसी भी वाहन को वहां पर खड़ा होने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और इस मामले पर जो आसपास में लगे हुए तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसे भी बकायदा मॉनिटर की जा रही है, जिससे कि उस इलाके में हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखा जा सके। चाहे इजराइल एम्बेसी की बात करें या ईरान एम्बेसी की बात करें, उस दोनों एम्बेसी के आसपास में खास तौर पर दिल्ली पुलिस के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और वहां पर होने वाले हर एक संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। और इसके साथ साथ आसपास में बैरिकेड जो हैं वो ज्यादा पहले से और ज्यादा लगा दिए गए हैं। और इसके साथ साथ वहां पे जो सीसीटीवी लगे हुए हैं आसपास में, उन तमाम सीसीटीवी के माध्यम से उस पूरे इलाके को मॉनिटर किया जा रहा है। क्या कोई इनपुट है या फिर कल जो युद्ध हुआ था, कल जो हमला किया गया था उसके बाद ये सुरक्षा को कड़ा किया गया है कि कहीं किसी भी तरीके की कोई हलचल दिल्ली में पैदा ना हो सके? देखिए, दिल्ली के अंदर में औपचारिक तौर पर इस मामले पे दिल्ली पुलिस के द्वारा भी कोई भी जानकारी साझा भी नहीं की जा रही है, लेकिन जिस तरह से घटना कल हुई है, जिस तरह से इजराइल में कल वहां पे जिस तरह से वहां पे हमले हुए हैं, तो इस मामले को ध्यान में रखते हुए यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। बहुत जरूरी है शंकर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
और अब इसराइल पर ईरान के हमले की सबसे ताजा तस्वीरें आई हैं। दरअसल ईरान के मिसाइल अटैक का एक वीडियो सामने आया है और वीडियो में मिसाइल इसराइल के इलाके में गिरती नजर आ रही है। देर रात ईरान ने इसराइल पर 200 से अधिक ब्लास्टिक मिसाइलें दागी थी, जिसमें इसराइल को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही हमले का वीडियो है जो कल देर रात देखने को मिला था, जब ईरान के हमले की ये ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यह हमले का वो वीडियो है जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मिसाइलों को दागा गया था, और जैसे ही मिसाइल जमीन पर गिरती है तो उसके बाद किस तरीके का धुआं उठता है, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। 200 से ऊपर की ब्लास्टिक मिसाइल बताई जा रही है जो ईरान की तरफ से दागी गई है। इसराइल पर हमले का यह वीडियो सामने आया है और अब इसराइल इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है कि कैसे ईरान ने हमला किया था वैसा ही इसराइल ईरान पर हमला करेगा। अब इसको लेकर जो युद्ध है वो महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है। तो इसराइल पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले के बाद इराक में जश्न मनाया गया। इराक के लोग देर रात सड़कों पर उतरे और मिलकर जश्न मनाया है। बीती रात ईरान ने इसराइल पर एक के बाद एक करीब 200 मिसाइलों से हमला किया, जिसमें इसराइल को बड़ा नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। तो आप ये जश्न की तस्वीरें देखिए, क्योंकि इराक में जश्न देखने को मिला था इसराइल पर हमले की एक तस्वीर, और सड़कों पर लोग उतरे और वहां पर जश्न मनाते हुए नजर आए। तो एक तरफ हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर मिसाइलों से अटैक किया गया था, भारी नुकसान यहां पर साफ तौर पर हुआ है इसराइल पर इस हमले का, और साफ तौर पर दूसरी तरफ इराक में जश्न की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सड़कों पर जब लोग उतरे तो जश्न का माहौल देखने को मिला था। तो इसराइल पर जो हमला हुआ है, इसराइल में तो बहुत ज्यादा नुकसान जरूर हुआ है, कई लोग इसमें मारे गए हैं और बड़े से बड़ा नुकसान का अंदेशा इसमें जताया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम इराक में देखें तो वहां पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन अब क्योंकि ये जश्न और ये जो मिसाइलों से अटैक हुआ है, इसका नुकसान आने वाले समय में कई देशों को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ये युद्ध दो देशों के बीच नहीं बल्कि ये पूरे विश्व स्तर पर ये बड़ा युद्ध है। अब ऐसे में देखना होगा ये युद्ध किस तरीके से महायुद्ध में तब्दील हो सकता है। तो इसराइल पर हुए हमले के बाद से प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। इसराइल ने कहा है कि ईरान ने जो किया है उसकी बहुत भारी कीमत उसे चुकानी होगी। इसके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत इसराइल का समर्थन देने वाले तमाम देश ईरान के खिलाफ लामबंद हो गए हैं, यानी जो कुछ अभी दुनिया देख रही है उससे भी भयानक हालात मिडिल ईस्ट में हो सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में बड़ी तबाही की आहट। ईरान के मिसाइल हमलों ने बजाया बर्बादी का सायरन। इजराइल पर हमले को लेकर कई देशों में आक्रोश। क्या ईरान का हमला सब कुछ ले डूबेगा? इसराइल के आसमान में आग उगलती इन बैलिस्टिक मिसाइलों ने एक बहुत बड़े खतरे को दावत दे दी है। हिजबुल्ला के सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेने की तड़प ने ईरान के हाथों वो गलती करवा दी है जिसकी उसे बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का गुस्सा इस बात की तस्दीक कर रहा है। התמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. איראן עשתה ערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת. ईरान के हमले पर इसराइल की डिफेंस फोर्स का बड़ा बयान सामने आया है। इसराइल की डिफेंस फोर्स का कहना है कि ईरान के खिलाफ हमारा ऑपरेशन तैयार है। Iran's attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences. Our operational plans are ready. We will respond wherever, whenever, and however we choose, in accordance with the directive of the government of Israel.
इजराइल पर हुए इस हमले के बाद ईरान समर्थित देशों में जश्न का माहौल है। बगदाद से लेकर बसरा तक ईरान के हमले का जश्न मनाया जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों के ताबड़तोड़ हमले को हसन नसरल्ला की शहादत के बदले के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अमेरिका ने जो कुछ कहा है वो इस जश्न को किसी भी वक्त मातम की नई लहर में तब्दील कर सकता है, क्योंकि इजराइल पर हुए हमले के बाद अमेरिका की तरफ से डराने वाली प्रतिक्रिया आई। हम इजराइल की मदद के लिए तैयार हैं, ईरान को इसका अंजाम भुगतना होगा। इजराइल पर ईरान के हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान भी सामने आया है। बाइडेन ने कहा है कि इस वक्त अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया वो पूरी तरह से फेल था। The United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and the U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. Israel par hamle ke baad Britain ka bhi bada bayan aaya hai. Britain ne kaha hai ki Israel ko apni aatmaraksha karne ka adhikar hai. Aur Britain Israel ke saath khada hai. Regime has launched over 200 ballistic missiles at civilian targets in Israel. It's too soon to assess the impact fully, but I utterly condemn this attempt by the Iranian regime to harm innocent Israelis, to escalate this incredibly dangerous situation and push the region ever closer to the brink. It cannot be tolerated. We stand with Israel and we recognize her right to self-defense in the face of this aggression. Iran must stop these attacks. उधर ऑस्ट्रेलिया ने भी इसराइल पर हुए हमले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों से वॉर जोन से निकलने की अपील भी की है। We of course condemn Iran's actions. We once again reiterate the call that we've made along with the United States, the United Kingdom, the European Union, Italy, Germany, Japan, Saudi Arabia, Qatar, the UAE, other nations as well, calling for a de-escalation. We're very concerned about Iran's actions, which is why we condemn them. वॉर जोन में बसती इस तबाही के सायरन पर भारत ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। We understand that Israel had a need to respond, but we also believe that any response by any country has to take into account international humanitarian law, that it must be careful about any damage or any implications for civilian populations. And that given what has happened in Gaza, it is important to have some kind of international humanitarian effort out there. And we are very much concerned at the possibility of a broadening of the conflict, not just what happened in Lebanon, but also, I referred earlier to the Houthis and the Red Sea. To some extent, anything that happens between Iran and Israel. यानी बदले की आग में धधकती ये कहानी मिडिल ईस्ट के लिए डराने वाली चुनौतियां लेकर आने वाली है, क्योंकि इजराइल पर हुए हमले को दुनिया के कई देश आतंकी हमले के तौर पर देख रहे हैं। यही वजह है कि ईरान के लिए आने वाले कुछ घंटे बहुत भारी साबित हो सकते हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि जैसे इजराइल की तरफ से हिजबुल्ला के टॉप कमांडर की लिस्ट जारी की गई थी, वैसे ही ईरान की तरफ से भी एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें इजराइल के पीएम नेतन्याहू को टॉप लिस्ट में रखा गया है और उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का मैसेज देखा गया है।
इजराइल के खिलाफ ईरान की पोस्टर मिसाइल। ईरान के पोस्टर में नेतन्याहू को बताया गया मोस्ट वांटेड। बारूदी जंग के बीच ईरान का पोस्टर वॉर। वॉर जोन में इस वक्त भयानक भगदड़ मची है। मिसाइल हमलों के बीच लगातार बजते सायरन किसी बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहे हैं। लोग जल्द से जल्द सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच एक पोस्टर ने ईरान की मंशाओं को दुनिया के सामने ला दिया है। दावा किया जा रहा है कि ये पोस्टर ईरान की तरफ से ही जारी किया गया है। इस पोस्टर में इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को मोस्ट वांटेड करार दिया गया है और पोस्टर के जरिए उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने की बातें लिखी गई हैं। यानी ईरान सीधे सीधे बेन्यामिन नेतन्याहू को टारगेट करना चाहता है। यही वजह है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरे विश्व युद्ध के कयासों का भी जिक्र कर दिया है। The world right now is spiraling out of control. You might not have seen what's happened because it was a few time ago. Iran launched 181 ballistic missiles at Israel, and I've been talking about World War III for a long time, and I don't want to make predictions because the predictions always come true. We're not going to make, but they are very close to global catastrophe. Iran ke is poster war ki kahani isliye bhi ahem ho jati hai, क्योंकि हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला की मौत के बाद इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से भी एक पोस्टर जारी किया गया था। इस पोस्टर में उन लोगों का नाम शामिल था जिन्हें इजराइल ने मौत की नींद सुला दिया था, यानी वो लिस्ट जो इजराइल के लिए वांछित आतंकी थे। इस लिस्ट में हसन नसरल्ला का नाम टॉप पर था। यही वजह है कि ईरान के इस पोस्टर को उसी पोस्टर के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। इस पोस्टर में सिर्फ बेन्यामिन नेतन्याहू का ही नाम नहीं है, बल्कि कई और बेहद अहम लोगों के नाम शामिल हैं, जिसमें इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट, इजराइल के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हर्जी हलेवी, इजराइल एयरफोर्स के कमांडर टोमर बार, नॉर्दर्न कमांड के हेड ओरी गार्डन, नेवी कमांडर सार सलामा, डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ आमिर बराम, हेड ऑफ सेंट्रल कमांड अलूफ यहूदा फॉक्स, चीफ ऑफ ग्राउंड फोर्स जामिर यदेई, हेड ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस एहरान हलीवा और हेड ऑफ साउथर्न कमांड के नाम शामिल हैं। इस पोस्टर में सभी को आतंकी बताया गया है। इजराइल की जल थल और वायु सेना से जुड़े लोगों के नाम इस लिस्ट में होने का साफ मतलब है कि ईरान किसी भी कीमत पर इन लोगों को मारना चाहता है। लेकिन इजराइल की सेना भी ईरान को सबक सिखाने को बेताब है। ईरान और इजराइल युद्ध के बीच बड़ी खबर है कि युद्ध के बीच भारत ने भी एडवाइजरी जारी की है। भारतीयों को ईरान यात्रा ना करने की एडवाइजरी जारी की गई है। विदेश मंत्रालय ने ईरान यात्रा ना करने की सलाह दी है। सुरक्षा हालात पर बारीकी से हमारी नजर है, विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। तो महायुद्ध से जुड़ी बड़ी ब्रेकिंग आपको दे रहे हैं। युद्ध के बीच भारत ने एडवाइजरी जारी की है। ईरान यात्रा ना करने की एडवाइजरी जारी की गई है। विदेश मंत्रालय ने ईरान यात्रा नहीं करने के लिए कहा है। सुरक्षा हालात पर बारीकी से हमारी नजर है, विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। तो युद्ध क्योंकि चरम पर है और ऐसे में भारतीय नागरिक वहां पर ना जाएं, कोई भी यात्रा ना करें, ईरान यात्रा करने से बचे, ऐसी एडवाइजरी भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है।